एवरी वन तो कल के लेक्चर में हमने पार्ट वन में देखा कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक्चुअली क्या पढ़ते हैं आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे रिलेटेड है और आगे हम ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलरली हम क्या क्या पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड नेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेचिंग अक्रॉस अ कॉन्टिनेंट एंड रिच इन अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्स कैन प्रोड्यूस रेलेटिवली एफिशेंटली मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इट नीड्स यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बहुत रिच है ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्स में यानी वहाँ पे लेबर भी बहुत ज़्यादा है और एफिशिएंट लेबर है स्किल्ड लेबर है साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं उनके पास तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स खुद ही बना सकते हैं जो रिक्वायर्ड हैं उनको जो बेसिक प्रोडक्ट्स जो रिक्वायर्ड है वो वो खुद ही बना सकते हैं कॉन्ट्रास्ट दिस विद दिचुएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल कंट्रीज सच स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया देव अ फ्यू वेरी स्पेशलाइज रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट अ मच स्मॉलर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑल द रेस्ट इसके कॉन्ट्रास्ट में जो छोटे कंट्रीज़ हैं सचैज़ स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रिया उनके पास बहुत थोड़े रिसोर्स हैं लिमिटेड रिसोर्स हैं जो रिसोर्स अवेलेबल हैं वो भी काफ़ी कम हैं तो साथ ही साथ वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने गिवन रिसोर्स के साथ और उसी को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट का अमाउंट भी बहुत छोटा है बाकी सारी चीज़ें जो वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं हैं वो इम्पोर्ट करते हैं इवन लार्ज इंडस्ट्रियल कंट्रीज सच एज जापान जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड इटली एन कैनाडा रिलाई क्रूशली ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लार्ज इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ भी ख़ुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल ट्रेड पे रिलाई करते हैं क्योंकि वो हो सकता है रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हों इस वजह से वो इंटरनेशनल ट्रेड पे रिलाई करते हैं और आज हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ इंटरनेशनल ट्रेड पे रिलाई करते ही हैं ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें जो भी वो कंज्यूम कर रहे हैं वो वो खुद ही बना रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता वो इम्पोर्ट भी करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं फॉर डेवलपिंग नेशंस एक्सपोर्ट्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड अर्निंग्स टू पे

पे करने के लिए जो वो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ ए कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है तो वो एक्सपोर्ट कर रही है कमोडिटी एक्स उसके लिए एक्सपोर्ट करने से उसको कुछ पेमेंट मिल रहा है वो वो पेमेंट यूज़ करके इंपोर्ट कर सकती है क्या कमोडिटी वाई जब वो इम्पोर्ट करेंगे कमोडिटी वाई तो वो पे कर सकते हैं किस बेसिस पे जब उन्होंने एक्सपोर्ट किया उनको पेमेंट मिला एक्सपोर्ट किया यानी दूसरे कंट्री को समझो बी कंट्री को एक्स कमोडिटी दिया तो बी कंट्री ने उसके पैसे ए कंट्री को दिए अब वो पैसे यूज़ करके वाई कमोडिटी इम्पोर्ट कर सकती है अपने कंट्री में तो पेमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है वो पे कर सकते हैं दूसरी चीज़ अर्निंग्स टू पे फॉर मेनी प्रोडक्ट्स दैट दे के नॉट प्रोड्यूस एट होम एंड फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी सो वो इम्पोर्ट जो कर रही है वो खुद नहीं बना सकती इस वजह से वो इम्पोर्ट कर रही है तो वो उसके लिए भी उनको पेमेंट मिल जाता है साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजी जो है क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है और एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज़ अफोर्ड नहीं कर पाती कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत होता है इस वजह से वो भी वहाँ से जो एडवांस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बन के मिलते हैं वो भी वो इम्पोर्ट कर सकते हैं अ रफ मेजर ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग नेशंस और देयर इंटर डिपेंडेंस इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ देयर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू देयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सो कितना इंटरडिपेंडेंस है कंट्री में आपस में उसका मेजर जो होगा वो रफली मेजर हम किस बेसिस पे कर सकते हैं उनके एक्सपोर्ट्स अपॉन द जी डी पी दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इम्पोर्ट अपॉन द जी डी पी सो इट इज़ एक्सपोर्ट अपॉन जी डी पी कितना प्रपोर्शन कितना रेशियो जी डी पी का वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कितना प्रपोर्शन या कितना रेशियो वो जी डी पी का इम्पोर्ट कर रहे हैं अगर इसी को हम एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट अपॉन जी डी पी इन टू हंड्रेड कर दें तो ये बताएगा कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम एक्सपोर्ट करते हैं से फॉर एग्जांपल ये परसेंटेज ट्वेंटी थ्री आया सो ट्वेंटी थ्री परसेंट हम जीडीपी जितना भी जीडीपी है उसका ट्वेंटी थ्री परसेंट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही अगर हम इंपोर्ट अपॉन जीडीपी इन टू हंड्रेड देखें तो ये रफली मेजर बताता है कि जीडीपी का कितना परसेंटेज हम इंपोर्ट करते हैं द जी डी पी रिफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द नेशन इन अयोर जी डी पी का तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पता चल गया होगा जी डी पी क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट इज़ द वैल्यू ऑफ़

ये इम्पोर्ट है और ये ब्लू एक्सपोर्ट है तो यूएस का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जीडीपी का परसेंटेज अगर हम देखें तो समथिंग अराउंड जो इम्पोर्ट्स है वो समथिंग अराउंड फिफ्टीन परसेंट जितना है एंड एक्सपोर्ट्स समथिंग अराउंड टेन परसेंट है लेकिन बाकी कंट्रीज़ देखें जो स्मॉलर कंट्रीज हैं उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी हाई है क्योंकि वो खुद रिलाय नहीं कर सकते अपने आप प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते इस वजह से उनको इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना पड़ता है दस इंटरनेशनल ट्रेड इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट टू मोस्ट अदर नेशंस दैन इट इज़ टू यूनाइट स्टेट्स तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स क्योंकि वो यूएस एडवांस कंट्री है सिर्फ वही इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशनल ट्रेड में अपना इम्पोर्टेंस रखती है ऐसा नहीं है दूसरे कंट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते हैं चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो वो करते हैं इवन दो यू एस रिलाईज ऑन रेलेटिवली स्मॉल एक्सटेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड अ ग्रेट डील ऑफ इट्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंडस ऑन इट तो यू एस बहुत रिलेटिवली हमने अब भी देखा कि सिर्फ फिफ्टीन एंड टेन परसेंट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है रिस्पेक्टिवली फिर भी उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड पर रिलाई करता है फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर मैनी कमोडिटीज़ कॉफ़ी बनाना कोकोआ टी स्कॉच काकमैक दैट द कंट्री डज़ नॉट प्रोड्यूज एट ऑल जो कॉफी बनाना और ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैंशन हैं जो वो रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं वहाँ के लोग वो खुद नहीं बनाती तो वो इम्पोर्ट करती हैं इन सारी चीज़ों का इन एडिशन यूएस हैज़ नो डिपॉजिट ऑफ सच मिनरल्स एस टिन, टन एंड क्रोमियम क्रोमियम टिन एंड टंक्सटिन के मिनरल्स का डिपॉज़िट्स उनके पास नहीं हैं। इस वजह से उनको वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू सर्टन इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड इट हैज़ ओनली ड्वेंडलिंग रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम कापर एंड मैनी अदर मिनरल्स तो ये सारे मिनरल्स जो नाम यहाँ पर मैंशन हैं वो सारे मिनरल्स इम्पॉर्टेंट हैं इंडस्ट्रील प्रोसेस में इंडस्ट्रियल प्रोसेस यानि कोई इंडस्ट्रीज़ में काम आने के लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन उनके जो रिज़र्व हैं यानि अवेलेबलिटी जो है वहाँ पर यू एस में वो बहुत कम हैं मच मोर इम्पॉर्टेंट क्वान्टिटेटिवली फॉर द नेशंस

nevertheless us could probably withdraw from world trade and still survive without too drastic a decline in its standard of living फिर भी U S अगर international trade में नहीं आए यानी वो closed economy बन जाए मैंने कल ही आपको closed and open economy की बात समझाई थी जब अगर वो closed economy बन जाए तो वो खुद ही सर्वाइव कर सकता है सारे अपने नीड्स जो कंज्यूम करते हैं लोग वहाँ के प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट एनी डिक्लाइन इन स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम नहीं होगा द सेम कैन नॉट बी सेड ऑफ सच नेशंस एज जापान जर्मनी इंग्लैंड और इटली नॉट टू स्पीक ऑफ स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया बाकी सारे कंट्रीज़ रिलाई नहीं कर सकते हैं खुद पे क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ़ द कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होता है इवन रशिया एंड चाइना विच फॉर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रीज़न्स हैव वैल्यूड सेल्फ सफिशेंसी वेरी हाईली इन द पास हैव नाउ कम टू एक्नोलॉज देयर नीड टू इम्पोर्ट हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट

सेल्फ़ सफिशेंसी यानी खुद सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने में सोचा था लेकिन अभी उनको पता चल गया है कि इम्पोर्ट करना पड़ेगा हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो है जिनके लिए हाई टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए फॉरेन कैपिटल ग्रेन सोयाबीन्स वो सारे एग्रीकल्चरल कमोडिटी इम्पोर्ट करना पड़ेगा अब जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा पेमेंट के लिए हमें रुपी चाहिए पेमेंट के लिए पैसे चाहिए तो वो पैसे कहाँ से आएंगे एक्सपोर्ट करने से तो वो एक्सपोर्ट भी करते हैं तो इन शॉर्ट यही चीज़ है कि सारे कंट्रीज़ को इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे रिलाई करते ही हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन जनरल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स एज मेजर्ड बाय द मोर रैपिड ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड दैन वर्ल्ड प्रोडक्शन So, एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट रहना बहुत इंक्रीज़ हो गया है आज बिकॉज ऑफ दिस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दिस हैज सर्टनली बीन द केस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द पास्ट फोर डेकेड्स द ओनली एक्सेप्शन टू वर्ल्ड ट्रेड राइजिंग एंड राइजिंग फास्टर दैन वर्ल्ड जी डी पी वर्ल्ड टू थाउजेंड वन एंड टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड वन वर्ल्ड जी डी पी रोज स्लाइटली बट वर्ल्ड ट्रेड डिक्लाइंड स्लाइटली द फर्स्ट सच डाइन सिंस एटी टू एटी थ्री जो जैसे ही पता चला कि ट्रेड इम्पॉर्टेंट है तो वर्ल्ड ट्रेड काफ़ी बढ़ता गया वर्ल्ड जी डी पी से जी डी पी जितना बढ़ रहा था उससे कहीं ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड बढ़ रहा था लेकिन सिर्फ टू थाउजेंड वन एंड 2009 में वर्ल्ड ट्रेड स्लाइटली डिक्लाइन हुआ बट जीडीपी बढ़ रहा था तो वन 2001 में वर्ल्ड जीडीपी जो था वो बढ़ रहा था बट वर्ल्ड ट्रेड डिक्लाइन हुआ डिक्लाइन यानी कम हुआ स्लाइटली फर्स्ट डिक्लाइन था वर्ल्ड ट्रेड में सिंस एटी टू एटी थ्री एटी टू एटी थ्री के मतलब जो लास्ट ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है हमने जो देखा नाइनटीन एटी से जो रिसेंट अभी चल रहा है प्रेजेंट तक तो एट्टी से लेकर जो अब तक है उसमें सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड बढ़ ही रहा था लेकिन 2001 में स्लाइटली डिक्लाइन हुआ था टू अ लार्ज एक्सटेंड दिस वाज ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन इन यूएस इन 2001 एंड द फियर ऑफ टेररिज्म फॉलोइंग द सितंबर 11 2001 अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क सिटी एंड पेंटागॉन इन वॉशिंगटन डी तो 2001 में इकोनॉमिक रिसेशन आया था यूएस में साथ ही साथ टेररिज्म अटैक टेररिक टेररिस्ट अटैक हुआ था सितंबर 11 2001 में कहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो न्यूयॉर्क सिटी में है और दूसरा पेंटागन वाशिंगटन डीसी में जो है वहाँ पे अटैक हुआ था तो सारे लोग डर गए थे आ, साथ ही साथ पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ था जिस वजह से ट्रेड थोड़ा कम हो गया इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो डिक्लाइन इन टू थाउजेंड नाइन एज अ रिजल्ट ऑफ डीपेस्ट रिसेशन ऑफ पोस्ट वॉर पीरियड ट्रिगर्ड बाय वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस जो टू थाउजेंड एट नाइन में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उस वजह से भी वर्ल्ड ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कम हुआ था इन ऑल लाइकलीहुड ट्रेड विल कंटिन्यू टू सर्व अ स्ट्रॉन्ग स्टिम्योल टू वर्ल्ड ग्रोथ इन द फ्यूचर इन शॉर्ट चाहे वो कम हो लेकिन आगे चल के बढ़ेगा तो वो फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है बट देर आर मैनी अदर क्रूशियल वेज इन विच नेशंस आर इंडिपेंडेंट इंटर डिपेंडेंट सो दैट इकोनॉमिक इवेंट्स एंड पॉलिसीज़ इन वन नेशन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट अदर नेशंस एंड वाइस वर्सा काफ़ी दूसरी चीज़ें भी है जिसके बेसिस पे कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है जो कि इकोनॉमिक इवेंट्स पॉलिसीज़ है एक कंट्री की जो पॉलिसी चेंज होती है वो दूसरे कंट्री को भी अफेक्ट करती है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू एस स्टिम्यूलेट्स इट्स इकोनॉमी स्टिम्यूलेट इट्स इकोनॉमी मतलब वहाँ का इनकम बढ़ा दे एक्सपेंडिचर बढ़ा दे पार्ट ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय इट्स पिल्स इन टू इम्पोर्ट इन शॉर्ट अगर आपने फिस्कल पॉलिसी किया होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिस्कल पॉलिसी क्या होता है अगर मैं इन शॉर्ट या तो जनरली बोलूँ एक्सपानशनरी फिस्कल पॉलिसी अगर मैं बात करूँ एक्सपानशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है या टैक्सेस कम करते हैं दोनों चीज़ दोनों में से कोई एक चीज़ अगर करेगा गवर्नमेंट तो क्या होगा डिमांड बढ़ेगा डिमांड जब बढ़ेगा तो इस डिमांड को केटर करने के लिए थोड़ा बहुत इम्पोर्ट्स बढ़ेगा So, एक पॉलिसी जो एक कंट्री में लिया गया एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी जो यूएस में लिया गया दैट लीड्स टू हायर डिमांड इन यूएस जो उसका थोड़ा प्रपोर्शन इम्पोर्ट होता है तो दूसरे कंट्रीज में से इम्पोर्ट होगा तो दूसरे कंट्रीज़ का एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा विच स्टमुलेट्स द इकोनॉमीज ऑफ अदर नेशन दैट एक्सपोर्ट दोज कमोडिटी समझो एग्जाम्पल पे जब यूएस का डिमांड बढ़ गया तो यूएस के सिटीजन्स इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटी तो एग्रीकल्चरल कमोडिटी जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं स्विट्ज़रलैंड है स्विट्ज़रलैंड वो कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करेगा यूएस को तो स्विट्ज़रलैंड के भी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे इस वजह से इनकम बढ़ जाएगा प्रोडक्शन बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा एंड स्टिम्यूलेट होगा स्विट्जरलैंड का इकोनॉमी भी ऑन द अदर हैंड एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन यूएस इज लाइकली टू अट्रैक्ट फंड्स कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड एंड इंक्रीज द इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ डॉलर ओके हम ये एक बार समझते हैं यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा अगर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है यानी कैपिटल इजीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे हम यूएस में इन्वेस्ट करेंगे ठीक है जब यूएस में इन्वेस्ट करेंगे तो यूएस में क्या होगा कैपिटल इनफ्लो होगा इनफ्लो कैपिटल मतलब कैपिटल यू एस इकोनमी में अंदर आएगा क्योंकि सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्ट क्या करेंगे एग्ज़ाम्पल डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डॉलर्स का सप्लाई बढ़ जाएगा तो अपने कंट्री का अगर हम देखें फ्लेक्सीबल एक्सचेंज रेट दिस इज़ डिमांड दिस इज़ सप्लाई तो क्या होगा सप्लाई बढ़ जाएगा अगर सप्लाई बढ़ जाएगा सप्लाई बढ़ना मतलब राइटवर्ड right शिफ्ट होना तो इनिशियल जो इक्वल पॉइंट था एक्सचेंज रेट का वो समझो वन डॉलर समझो सिक्सटी था अब क्या हुआ है अब एक्सचेंज रेट कम हो गया है यूएस की बात करें फिफ्टी फोर यू की बात करें जब यूएस के साइड से हम देख रहे हैं इसका मतलब है जब वैल्यू कम होती है यानी रेट कम होता है तो रेट जब कम होता है उसका मतलब है वैल्यू उस कम उस करेंसी का बढ़ जाता है यानी यहाँ पे अप्रीसीशन हुआ है तो दिस लीड्स टू अप्रीसीशन और यूएस के डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है रेट कम हुआ है लेकिन वैल्यू बढ़ गई है सो इंक्रीज द इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ़ डॉलर मैंने अभी आपको बताया और इस वजह से यूएस का इंपोर्ट स्टिम्युलेट होता है और एक्सपोर्ट्स कम होता है अगर आपने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किया होगा तो अप्रिसिएशन के वजह से आपका इंपोर्ट बढ़ जाता है वराइज एक्सपोर्ट कम होता है क्यों क्योंकि अब आपको एक्सपोर्ट्स के लिए जो प्रोडक्ट्स आप ख़रीद रहे हैं वो प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हो जाएंगे बहराज़ इम्पोर्ट जो होता है वो चीपर हो जाता है दस दैम्पनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन यू एस एंड स्टिमुलेटिंग इट अब्रॉड सो इस वजह से अगर आप इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हो एक्सपोर्ट कम कर रहे हो तो इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर दैन एक्सपोर्ट दैट मीन्स आपका पेमेंट ज़्यादा होगा आप पे ज़्यादा कर रहे हो वेराज आप अर्न कम कर रहे हो एक्सपोर्ट करके इस वजह से क्या होगा आपका इफ़ेक्ट जो आएगा वो डैम्पनिंग इफेक्ट होगा आपका डेफिजिट हो जाएगा डेफिजिट होगा तो आपको बोरोइंग करना पड़ेगा सो दैट लीड्स टू अ डैम्पनिंग इफेक्ट फॉर यू एस बट दूसरे कंट्रीज के लिए अच्छा है क्योंकि दूसरे कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं वही चीज़ यू एस को फाइनली ट्रेड नेगोसिएशन दैट रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स अक्रॉस नेशंस में लीड टू एन इंक्रीज एन एक्सपोर्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी गुड्स सच एज़ कम्प्यूटर एंड दस टू एन इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेज इन दोज कंट्रीज इन यू एस बट ऑल्सो टू एन इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट ऑफ शूज़ एंड टेक्सटाइल देयर बाय रिड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट एंड वेज इन दोज सेक्टर्स सो अगर यू एस अगर हम बैरियर्स मैंने आपको कल बताया था बैरियर्स निकाल दें बैरियर्स निकल जाए तो फ्री ट्रेड होगा जब फ्री ट्रेड हो रहा है तो क्या यू एस इंपोर्ट करेगी शूज़ एंड टेक्सटाइल टेक्सटाइल क्या होता है क्लोथ एज एक्सपोर्ट करेगी कंप्यूटर्स तो कंप्यूटर्स जब वो एक्सपोर्ट कर रही है तो कंप्यूटर का सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट होगा बढ़ेगा लेकिन जब शूज़ इंपोर्ट कर रही है तो उसका प्रोडक्शन वो कम कर देगी तो शूज़ एंड टेक्सटाइल का एम्प्लॉयमेंट कम होगा दस वी सी हाउ क्लोजली लिंकड और इंटर डिपेंडेंट नेशंस आर इन टूडेज वर्ल्ड एंड हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एम डेट सॉल्विंग प्योरली डोमेस्टिक प्रॉब्लम कैन हैव सिग्नीफिकेंट इंटरनेशनल रिप्रिकॉशंस इसका मतलब है कि बहुत इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से कंट्रीज और एक चेंज जो हमने फिजिकल एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी देखा जो वो अपने कंट्री में ला रहे हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए वो दूसरे कंट्रीज पर भी असर करता है द इंटरनेशनल फ़्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसज लेबर गुड्स सर्विसज लेबर एंड कैपिटल इंटर डिपेंडेंस इन वर्ल्ड इकानमी इज़ रिफ्लेक्टेड इन फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसज़ लेबर एंड कैपिटल अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज हम जब इंटरनेशनली ओपन अप हो जाते हैं तो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज फ़्लो नहीं होता लेबर कैपिटल भी फ्लो होता है तो किस तरीके से होता है वो देखते हैं इंटरनेशनल फ़्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ यहाँ पे सिर्फ गुड्स एंड services का देख रहे हैं किस बेसिस पे करेंगे कौन कहाँ से वो गुड्स एंड सर्विसेज import या एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए जो बहुत important मॉडल है दैट इज़ द ग्रेविटी मॉडल have seen that international trade is of growing importance to nations' well-being ये हम कब से अब तक वही देख रहे हैं कि international trade बहुत important है बट विच आर द मेजर यू एस ट्रेड पार्टनर्स एंड बाई इसका मतलब है इन शॉर्ट वो यू एस का एग्जाम्पल दे के ये बता रहे हैं कि किसके साथ वो ट्रेड करेंगे ट्रेड पार्टनर्स कौन होते हैं जिसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम किसके साथ इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करें वो यही बता रहे हैं कि यू एस के ट्रेड पार्टनर्स कौन है किसके साथ इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे

ए कंट्री है यहाँ पे बी कंट्री है यहाँ पे एंड सी कंट्री है यहाँ पे तो जब हम ए कंट्री इम्पोर्ट कर रही है कोई चीज़ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा वहराज सी से अगर कुछ इंपोर्ट कर रही है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होगा तो जोग्राफिकली जो पास है उनसे ज़्यादा ट्रेड करने का चांसेस बढ़ जाता है क्लोजर दैन विथ नेशंस दैट आर मोर डिस्टेंट डिस्टेंस डिस्टेंट मतलब दूर फॉर विच ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वुड बी ग्रेटर जैसे मैंने आपको ए और सी का नेशंस का एग्जाम्पल दिया विथ नेशंस विथ मोर ओपन इकोनॉमिक सिस्टम दैन विथ नेशंस विथ लेस ओपन सिस्टम जो ज़्यादा ओपन है ज़्यादा रिलाई करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे उसके साथ ज़्यादा ट्रेड हम करेंगे राधा देन जो क्लोज रहना चाहते हैं जो ओपन अप नहीं होना चाहते नेशंस वो उनके साथ कम करेंगे एंड विथ नेशंस विथ सिमिलर लैंग्वेज एंड कल्चरल बैकग्राउंड दैन विथ नेशंस डेट आर मोर डिफरेंट जिसकी लैंग्वेज सेम है ओब्वियसली लैंग्वेज सेम होगी तो अच्छे से कोऑर्डिनेट करके हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसका कल्चरल बैकग्राउंड अब हमारे कल्चर में कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट रेलिवेंट है तो वो सेम कल्चर अगर कहीं और होगा तो ही हम इम्पोर्ट कर पाएंगे दूसरे कंट्री का कल्चर अलग है तो वहाँ पे वो प्रोड्यू प्रोडक्ट में भी नहीं बनता होगा सो so, इस वजह से लैंग्वेज एंड कल्चरल बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है उन्हीं के साथ सेम लैंग्वेज एंड सेम कल्चरल बैकग्राउंड होगा तो उनके साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म द ग्रेविटी मॉडल पॉस्चुलेट्स दैट अदर इक्वल आपने अदर थिंग्स इक्वल बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा सेट्रिस पेरेबिस अजाम्शन जिसको हम बोलते हैं बायलैटरल ट्रेड बायलैटरल ट्रेड क्या होता है दोनों तरफ से ट्रेड होना इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ बिटवीन टू कंट्रीज इस प्रपोर्शनल दो कंट्रीज़ का बायलैटरल ट्रेड प्रपोर्शनल है या पॉजिटिवली रिलेटेड है यानी एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा चीज़ भी बढ़ रहा है इधर ट्रेड जो है बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा जब प्रोडक्ट ऑफ टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कंट्रीज़ जीडीपी जो प्रोडक्ट है जीडीपी समझो जीडीपी ऑफ ए इनटू जी ऑफ बी अगर जीडीपी ऑफ ए इनटू जी ऑफ बी प्रोडक्ट ऑफ टू कंट्रीज़ जीडीपी बढ़ेगा तो ट्रेड उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बढ़ेगा ठीक है and to be smaller the greater the distance between the two countries though country ke beach may zada distance hoga to trade kam hoga just like newton's law of gravity in physics that is larger and more and the more equal in size and the closer the two countries are larger द वॉल्यूम ऑफ़ ट्रेड बिटवीन दैम इज़ एक्सपेक्टेड टू बी यानी दो कंट्रीज़ का जी डी पी हाई होगा तभी जाके उनका प्रोडक्ट भी हाई होगा प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट भी हाई होगा तो दो कंट्रीज़ जिनका जी डी पी हाई है वो आपस में ट्रेड ज़्यादा करेंगे वेराज़ जब उनका डिस्टेंस कम होगा तो वो कंट्रीज़ आपस में ट्रेड ज़्यादा करेंगे दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटी मॉडल

जो लार्जर कंट्रीज़ है चाइना जापान जर्मनी उनसे करेगा दिस इज एग्जैक्टली वॉट टेबल वन पॉइंट थ्री शोज अगर आप टेबल वन पॉइंट थ्री देखोगे तो कैनेडा चाइना मेक्सिको जापान जर्मनी से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है वेराज दूसरे कंट्रीज से कम कर रहा है दैट इज़ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स ऑफ यू एस आर जनरली क्लोजर एंड एंड और लार्जर जैसे ग्रेविटी मॉडल में हमने देखा 1.3b इंटरनेशनल फ़्लो ऑफ लेबर एंड कैपिटल तो हमने गुड्स एंड सर्विसेज का देख लिया कि किसके साथ गुड्स एंड सर्विसेज़ इंटरनेशनल ट्रेड करेगा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा जो लार्जर इकोनॉमीज़ है उनसे ज़्यादा ट्रेड करेगा वराज जो स्मॉलर इकोनॉमीज़ हैं उनसे कम होगा एंड जो नियर बाय है यानी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे ज़्यादा ट्रेड होगा गुड्स एंड सर्विसेज का वराज जो दूर है उनसे कम होगा अब हम लेबर एंड कैपिटल की बात करते हैं कहाँ पे ज़्यादा होगा बिसाइड्स ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनल फ्लो ऑफ पीपल यानी जिसको हम माइग्रेशन कहते हैं And capital across national boundaries is another measure or indicator of economic integration and globalization in world economy. आप अगर migration ज्यादा हो रहा है example A और B country के बीच में migration ज्यादा हो रहा है, capital flow ज्यादा हो रहा है, restrictions कम है, तो interdependent ज्यादा है, वो एक measure बताता है, indicator है वो कि दोनों कंट्रीज़ में इंटरडिपेंडेंस हाई है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है टुडे देर आर अबाउट वन नाइन्टी मिलियन पीपल इन वर्ल्ड हु लिव इन कंट्री अदर देन द वन इन विच दे आर दे वर बॉर्न खुद जहाँ पे बॉर्न हुए थे वहाँ से दूसरे कंट्री में रह रहे हैं ऐसे वन नाइन्टी मिलियन पीपल है पूरे वर्ल्ड में नियरली सिक्सटी परसेंट ऑफ देम आर इन रिच कंट्री ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट जितने तो रिच कंट्रीज़ में ही हैं पीपल माइग्रेट प्राइमरीली फॉर इकोनॉमिक रीजंस सो इकोनॉमिक रीजंस क्या क्या हो सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हाई होना कोई कंट्री में इस वजह से माइग्रेट करना या दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ है एडुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ वो बट डू सो टू एस्केप पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑपरेशन बट थोड़े बहुत लोग जो माइग्रेट करते हैं वो पॉलिटिकल या रिलीजियस रीजंस के या ऑपरेशन के वजह से भी करते हैं रिलीजियस या पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस के वजह से भी करते हैं द थर्टी एट मिलियन फॉरेन बॉर्न पीपल हु लिव इन यूएस रिप्रेजेंट ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ यूएस पॉपुलेशन एंड सिक्सटीन पॉइंट टू परसेंट ऑफ अमेरिकन लेबर फोर्स सो थर्टी एट मिलियन पीपल जो हैं यू एस में वो ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट पॉपुलेशन जो है यू एस का जो ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट पीपल है वो फॉरन से आए हैं यू एस में और सिक्सटीन पॉइंट टू परसेंट वो अमेरिकन लेबर फोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं ऑफ दिज ओवर इलेवन मिलियन और नियरली थर्टी परसेंट एंटर द नेशन इ सो जो इसमें से दैट इज़ थर्टी एट मिलियन जो फॉरेन फॉरेनर्स हैं यूएस में उसका 11 मिलियन नियरली थर्टी परसेंट इलीगली एंटर हुए हैं मोस्ट नेशन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इमिग्रेशन टू रिड्यूस द इनफ्लो ऑफ लो स्किल्ड पीपल बहुत सारे हैं ना कंट्रीज इनफ्लो माइग्रेशन अगर फ्री रहेगा कि आप इमिग्रेशन इमिग्रेशन मतलब हमारे कंट्रीज़ में आना एंटर होना इजी कर देंगे तो काफ़ी लो स्किल्ड पीपल इजीली आ जाएंगे कंट्री में तो अगर लो स्किल्ड पीपल आ जाएंगे तो बहुत बर्डन बढ़ जाएगा वो कंट्री के लिए इस वजह से वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ताकि लो स्किल्ड पीपल आ ना पाए ज़्यादा माइग्रेशन इज़ जनरली मोर रिस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलेटेड दैन इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल माइग्रेशन यानी पीपल या लेबर का माइग जो लेबर का फ्लो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है वेराज़ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल का फ्लो में इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता इन जनरल कैपिटल फ्लो मोर फ्रीली अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज दैन पीपल कैपिटल ईजीली फ्लो हो जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे रादर देन जो पीपल माइग्रेट करते हैं वो कम होते हैं फाइनेंशियल और पोर्टफोलियो कैपिटल फाइनेंशियल एंड पोर्टफोलियो कैपिटल क्या होता है जो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो बैंक लोन्स एंड बॉन्ड्स जनरली मूव टू नेशंस एंड मार्केट वेयर इंटरेस्ट रेट आर हायर जहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा वहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो वही चीज़ है जो कंट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा वहाँ पे फाइनेंशियल और पोर्टफोलियो कैपिटल फ़्लो इन होगा यानी कैपिटल इन फ्लो होगा एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड फॉर्म्स फ्लो टू नेशंस वेयर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आर हायर यहाँ पे दो चीज़ें अगर आपने नोटिस की होगी एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा है पोर्टफोलियो कैपिटल दोनों में मैं सिंपल डिफ्रेंस बता देती हूँ फ़ॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ जो होता है एफ क्या होता है एफ होता है कि आप समझो कोई कंपनी चला रहे हो तो कंपनी का प्लांट यानी कंपनी का सब्सिडरी आप दूसरे कंपनी में दूसरे कंट्री में जाके ए समझो कंपनी है जो एक्स कंट्री में है जो एक्स कंट्री की कंपनी है ए वो दूसरे कंट्री वाई कंट्री में जाके अपना सब्सिडरी प्लांट खोलेगी पूरा का पूरा प्लांट खोलेगी या इंडस्ट्रीज फॉर्म करेगी या कंपनी खोलेगी ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है या पोर्टफोलियो कैपिटल ए जो कंपनी है जो एक्स कंट्री में हैं वहाँ पे वाई कंट्री के जो लोग हैं वाई कंट्री के लोग इस एक्स कंट्री के ए कंपनी के शेयर्स सिर्फ ख़रीदेंगे सिर्फ शेयर्स ख़रीदना यहाँ पे कोई आपको हेड या आप कोई लीडर नहीं हो आप कोई डिसीजन मेकर नहीं हो यहाँ पे सिर्फ आप शेयर्स ख़रीद रहे हो वहाँ से आप प्रॉफिट कमाओगे लेकिन यहाँ पे जब हम एफ की बात करते हैं तो एफ़ में हम डिसीजन मेकर हो जाते हैं क्योंकि वाई कं ट्री में जो हमने बी सब्सिडरी फॉर्म खोली है वहाँ का डिसीजन हम ले रहे हैं पूरा फॉर्म हमारे अंडर चल रहा है सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी है दोनों का डिफरेंस बता दिया है दिस लीड्स टू मोर एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल एंड जनरली बेनिफिट बोथ लेंडर्स एंड सो एफिशिएंट यूज़ हो जाता है कैपिटल का इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है और लेंडर और बोवर दोनों के लिए अच्छा हो जाता है

टू लैटिन अमेरिकन और एशियन गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशन्स तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने डिपॉज़िट किया न्यूयॉर्क एंड लंडन बैंक्स में फिर इन लंडन एंड न्यूयॉर्क बैंक्स ने वो लोन दिया किसको लैटिन अमेरिकन एंड एशियन कंट्रीज़ को ठीक है बैंक्स ऐसे ही काम करती है एक जगह से डिपॉजिट होता है सेविंग्स मिलते हैं एंड वही सेविंग्स जो डिपॉजिट करते हैं मनी वो दूसरे को लोन देते हैं वहाँ से अर्निंग ज़्यादा होता है बहराइज जो इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट जो जिन्होंने डिपॉजिट किया उनको कम देते हैं और ऐसे प्रॉफिट गेंद करते हैं तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है ड्यूरिंग दाइनटीन एटीज़ जपान इन्वेस्टेड अ लार्ज चंक ऑफ इट्स ह्यूज एक्सपोर्ट अर्निंग इन फाइनेंशियल एंड रियल इस्टेट एंड टू सेट अप कॉरपोरेट सब्सिडरीज इन यू एस तो जपान ने जो एक्सपोर्ट किया था उसका जो पेमेंट अर्निंग्स उनको मिला था वो फाइनेंशियल असेट्स एंड रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया था कहाँ पर यू एस में सिंस द मिड नाइनटीन एटीज यू एस हैज़ बिकेम एन इंक्रीजिंगली लार्ज नेट बोरोअर फ्राम द रेस्ट ऑफ़ द वर्ल्ड टू कवर इट्स एक्सेस ऑफ स्पेंडिंग ओवर प्रोडक्शन तो यू एस नाइनटीन एटीज के बाद यू एस जो है वो इंक्रीजिंगली लार्ज नेट बोरओवर हो गया है ज़्यादा वो लोन ले रहा है दूसरे कंट्रीज से क्योंकि उसका स्पेंडिंग मोर है प्रोडक्शन कम है सिंपल समझते हैं अगर आपका इनकम कम है वेरस आपका एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग ज़्यादा है तो आपको कहीं से लोन लेना पड़ेगा बोरो करना पड़ेगा राइट right? तो यही चीज़ यूएस करता है ग्लोबल बैंक्स एस्टैब्लिश ब्रांच इन मेजर इंटरनेशनल मोनिट्री सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड तो अपने ब्रांचेस ग्लोबल बैंक्स अपने ब्रांचेस खोलते हैं दूसरे कंट्रीज में ये क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ इंटरनेशनल जब हम ओपन हो जाते हैं इसी वजह से होता है मोर देन डॉलर थ्री ट्रिलियन ऑफ फॉरन करेंसीज आर एक्सचेंज ईच डे अराउंड द क्लॉक ट्रेडिंग इन वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर्स एंड न्यूली एस्टैब्लिश सॉवरिन फंड्स सो ओवर डॉलर थ्री ट्रिलियन डेली एक्सचेंज होता है करेंसीज का जो एक्सचेंज मार्केट है वो इस वजह से एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज मार्केट भी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आर मेकिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स और एंड न्यूली एस्टैब्लिश सॉवरेंट फंडस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओल्ड बाई मिडिल ईस्टर्न पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग नेशन सिंगापोर चाइना रशिया एंड ब्राज़ील आर मेकिंगूज इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड तो आप सिर्फ अपने कंट्री में अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते अब दूसरे कंट्री में भी इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस ओपनिंग अप फाइनेंशियल मार्केट्स आर ग्लोबलाइज एज नेवर बिफोर अब जितना ग्लोबलाइज है उतना पहले नहीं थे